देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हंगामे के बाद कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। कन्हैया कुमार ने ये भी अदालत के सामने कहा कि उनकी जान को खतरा है और निचली अदालत में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस तरह जमानत की अर्जी पर सुनवाई करेंगे तो देश भर से लाखों केस उनके पास आ जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वो निचली अदालत जाएं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर कन्हैया के वकीलों और कन्हैया कुमार की सुरक्षा की बाबत आश्वासन दिया, लेकिन हाई कोर्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। इस मामले में कन्हैया कुमार की से हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है। जेएनयू के मसले पर एसआईटी को लेकर दाखिल याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस याचिका को सोमवार के लिए सुनवाई के लिए रखा है, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट और उसमें तमाम उपद्रव हुआ था और वकीलों ने तमाम जेएनयू के स्टूडेंट और पत्रकारों की पिटाई कर दी थी। देशद्रोह के आरोप में फरार चल रहे जेएनयू के छात्र उमर खालिद के पिता सैयद कासिम इलियास का कहना है कि उनके बेटे को मुस्लिम होने के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है। उमर के पिता के मुताबिक जिस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें एबीवीपी के लोग भी थे, कुछ कश्मीरी भी शामिल थे, सभी ने मिलकर नारेबाजी की थी, लेकिन इस मामले में सिर्फ उनके बेटे का नाम घसीटा जा रहा है। कासिम ने कहा कि मैं अपने बेटे से अपील करूंगा तो वह सामने आकर कानून का सामना करे, लेकिन मुझे उसकी सेफ्टी की चिंता है। अगर उसने देशद्रोह के नारे लगाए हैं तो उसे कानून का सामना करना चाहिए। आपको बता दें कि जेएनयू में देशद्रोह नारेबाजी के मामले में कन्हैया तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन खालिद उसी दिन से फरार चल रहा है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। हालांकि पुलिस के सबूत बताते हैं कि 6 से 9 फरवरी के बीच उसके फोन से ढेर सारी कॉल्स की गई। कासिम ने कहा, हम उमर और कन्हैया के साथ हैं, लेकिन पुलिस और मीडिया इनको लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मेरे बेटे के तो आतंकवादी गुटों से रिश्ते बताए जा रहे हैं। उमर खालिद की तलाश में दिल्ली पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन उमर खालिद के संबंध क्या अलगाववादियों से है, इस मामले पर पूछने पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इसमें जांच चल रही है। विश्वविद्यालय द्वारा ताकतवर नेताओं को मानद उपाधि की डिग्री देना दुनिया भर में एक फैशन का प्रतीक बन चुका है। इसके जरिए जहां विश्वविद्यालय अपने आप को लोकप्रिय नेताओं के साथ जोड़कर गौरवान्वित महसूस करता है, तो वहीं शिक्षा के जगत में बिना किसी योगदान के बड़े नेता अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तमाम पुरानी परंपराओं को तोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस परंपरा को भी तोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को संबोधित भी करेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक शहर का यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर चुका है और इस खास मौके पर ही प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए बीएचयू ने प्रधानमंत्री को पीएचडी की मानद डिग्री देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मोदी ने पीएचडी की यह मानद उपाधि लेने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही इस तरह की मानद उपाधि की डिग्री देने और लेने के खिलाफ रहे हैं, इसलिए अपने ही द्वारा बनाई गई परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचयू के आग्रह को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले में सामने आए बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा की सदस्यता जा सकती है। विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की सदस्यता जा सकती है। दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने सदस्यता जाने के लिए सिफारिश कर दी है। हालांकि मामला पटियाला हाउस कोर्ट का नहीं बल्कि तकरीबन एक साल पुराने विधानसभा के विवाद का है, जिसमें नाइट शेल्टर को लेकर ओपी शर्मा ने आपके विधायका को रात भर घूमने की बात कही थी, जिसके बाद पूरे देश में ओपी शर्मा की मुखालफत हुई थी।
पटियाला स्पोर्ट मामले में ओपी शर्मा को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने कर लिया था और फिलहाल वो जमानत पर है। झारखंड के नवाडीह के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। इन नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। झारखंड के रांची बुड्डू के नवाडीह के जंगल में शुक्रवार तड़के इनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए। इनमें एक महिला भी शामिल है। इनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों की डेड बॉडी पर एक्सप्लोजिव बने हुए मिले हैं। इनको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जवानों को नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस नवाडीह के जंगल में सर्च अभियान चला रही थी। 40 से ज्यादा नक्सलियों ने इस दौरान हमला कर दिया। हमला रांची जमशेदपुर NH-35 पर बुंडू धांधरा बेड़ा के पास हुआ। गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात 1 बजे के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ और इनकाउंटर के बाद 4 नक्सलियों की लाशें बरामद की गई हैं। शुक्रवार सुबह इनकी लाशों की जांच के दौरान बॉडी पर विस्फोटक एक्सप्लोसिव बने मिले थे। इतना ही नहीं, इनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे CRPF के DG DK पांडे ने CRPF के कमांडेंट दिलीप कुमार सिंह को मौके पर सम्मानित भी किया। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे उग्र प्रदर्शन की आग आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंच गई। यहां जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर जाम लगाया। हरियाणा के रोहतक में आरक्षण की मांग कर रहे जाटों का प्रदर्शन उग्र रूप आ जा रहा है। इस हिंसक होते आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं आरक्षण की मांग हरियाणा से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पहुंच चुकी है। यहां जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों जाट दिल्ली UP बॉर्डर पर एकत्रित हुए। समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है तो यह आग देश भर में सुलगेगी और वो लगातार आंदोलन को और तेज करेंगे। आरक्षण की मांग करते हुए जाट समाज के लोग यूपी बॉर्डर से दिल्ली में घुसे और दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के बाहर जाम लगा दिया। जाम की वजह से दिल्ली और यूपी दोनों जगह का ट्रैफिक बाधित हुआ और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। आरक्षण का स्थायी हल निकालने के लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने एक कमेटी गठित की है। साथ ही उन्होंने लोगों से सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे व एटा से BJP सांसद राजवीर सिंह के लापता होने के एटा में जगह जगह लगाए गए पोस्टर, चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में वापस न जाने से नाराज लोगों ने राजवीर सिंह के एटा में जगह जगह पोस्टर लगा कर की राजवीर सिंह का पता बताने वाले को 11 रुपए इनाम देने की घोषणा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह द्वारा बीते 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP से एटा का लोकसभा चुनाव जीत सांसद बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में लापता हो जाने के चलते अपने द्वारा किए चुनावी वादों को अब तक पूरा न से नाराज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने अब एटा में जगह जगह राजवीर सिंह के न सिर्फ लापता होने के पोस्टर लगा दिए हैं, बल्कि इस दौरान बाकायदा नाराज लोगों ने अपने सांसद राजवीर सिंह का पता बताने वाले को 11 रुपए का इनाम भी दिए जाने की घोषणा कर दी है। एटा में लगे इन पोस्टरों में जहां BJP सांसद राजवीर सिंह की फोटो लगाकर उनसे जुड़ी समस्त जानकारियों का जिक्र किया गया है, वहीं बाकायदा यह भी लिखा गया है कि उक्त महाशय ने लोकसभा चुनाव 2014 में जनता से विकास करने और उनकी समस्याएं सुलझाने का वादा करके चुनाव जीता था। अब ये जनता को धोखा देकर 2 साल से लापता है। जो भी उनकी सूचना देगा उसकी पहचान गुप्त रखकर 11 रुपए का उसे इनाम भी दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में जब BJP के एटा से सांसद राजवीर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने अपने पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि हमारी बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए लोगों द्वारा ये एक प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है। दुनिया का सबसे सस्ता फोन आने से पहले ही विवादों में घिर गया है। एक तरफ जहां 251 रुपए में लोगों को मोबाइल देने की बात कही जा रही है तो वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग 2 दिनों से सेक्टर 63 स्थित B44 कंपनी के बाहर डटे हुए हैं। वहीं लोगों की ये भी शिकायत है कि उन्हें नहीं लगता कि ये मोबाइल उनके हाथों तक पहुंच पाएगा। रिंग रिंग बेल कंपनी द्वारा 251 रुपए में जनता को दुनिया का सबसे सस्ता फोन प्रोवाइड कराने की जो बात कही जा रही थी अब वो विवादों के घेरे में है। एक तरफ जहां कंपनी का ये दावा है कि वो लोगों तक ये फोन जरूर पहुंचाएगी तो वहीं अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि आखिरकार इतना सस्ता फोन उनके हाथों तक कैसे पहुंच पाता है। लोगों का ये भी कहना है कि जब 200 रुपए में बैटरी तक नहीं आ पाती तो मोबाइल कैसे आ पाएगा। इसी को देखते हुए सैकड़ों की तादाद में लोग कंपनी के बाहर डटे हुए हैं और उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट कोई भी बात करने को तैयार नहीं है।
यही नहीं, लोगों ने कंपनी के बाहर जमकर हंगामा भी किया। इसके बाद मीडिया के सामने कंपनी के एमडी मोहित गोयल पहुंचे। उन्होंने दावा किया है कि वो दो दिन में स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार ये मोबाइल जनता तक कैसे पहुंचेगा। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने पहले चरण में 25 लाख लोगों की ऑनलाइन बुकिंग करानी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट नोएडा और उत्तराखंड में भी लगाई जाएंगी। आखिरकार मोबाइल कंपनी के एमडी मोहित गोयल मीडिया के सामने पहुंचे और उनका ये दावा था कि वो दो दिन में स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार ये सस्ता मोबाइल लोगों तक कैसे पहुंचेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो इसका एक प्रेजेंटेशन मंत्रालय को भी भेजेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने नोएडा उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग की एक एक यूनिट लगाने की बात भी कही है। जेएनयू मामले को लेकर देवभूमि में भी सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को जहां भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, वहीं कांग्रेस ने भी वाम दलों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। जेएनयू मामले की आंच से अब देवभूमि की सियासत भी दहक उठी है। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर कांग्रेस और वाम दलों के प्रदर्शन को देशद्रोहियों का समर्थन बताकर भाजपा सड़क पर कूद पड़ी है। शुक्रवार को भाजपा ने देहरादून में परेड ग्राउंड से कचहरी तक विरोध मार्च निकालकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले भी देशद्रोही हैं और भाजपा जनता के बीच उन्हें बेनकाब कर देगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर वाम दलों के विरोध में शामिल होकर जनता के बीच अपना पक्ष रखा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस तरह भाजपा और आरएसएस के इशारे पर भगवा एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है, उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा सियासी माइलेज देने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती, लिहाजा इतना तय है कि देशभक्ति बनाम देशद्रोह के मुद्दे पर प्रदेश में सियासत आगे और गर्माएगी। न्यू मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक मंच पर आए वामपंथी और कांग्रेसी देहरादून में संयुक्त रूप से दिया धरना। जेएनयू मामले में जिस तरह केंद्र सरकार ने स्टैंड लिया है, उसके बाद वामपंथियों और कांग्रेसियों को भाजपा के रवैये के खिलाफ एकजुट होना पड़ रहा है। शुक्रवार को गांधी पार्क में कांग्रेस और वामपंथियों का संयुक्त धरना प्रदर्शन देखने को मिला। पहली बार वामपंथियों के नारों में कांग्रेसी अपना सुर मिलाते दिखाई दिए। दोनों दलों के लोगों ने धरने में एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। वामपंथियों और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कन्हैया को गलत रूप से फंसाने का आरोप लगाया और कन्हैया की रिहाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेसियों ने भी केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार देश को बांटना चाहती है। गढ़वा मंडल विकास निगम चार धाम यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए अब एयरलाइंस कंपनियों के साथ ही IRTC के साथ भी अनुबंध करने जा रही है, जिससे यात्रियों को यहां पर आकर कोई दिक्कत ना हो और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिल सके। राज्य सरकार चार धाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए अभी से तैयारियां करने लगी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम अब चार धाम यात्रा पर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरलाइन कंपनियों और रेलवे के साथ MOU करने जाए, जिससे अन्य राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को कम समय में ये यात्रा पूरी कराई जा सकेगी। JMVN इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट के साथ MOU करने की तैयारी कर रहा है, जबकि गढ़वाल मंडल विकास निगम और रेलवे के बीच पहले ही MOU हो चुका है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के MD ने बताया कि सरकार लगातार यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। आने वाले समय में यात्रा सुगम और सरल बन सके, इसको लेकर अब एयरलाइन कंपनियां और रेलवे के साथ MOU किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम पिछले लंबे समय से घाटे पर चल रहा है, जिसको देखते हुए अब निगम के अधिकारियों ने इसका बीड़ा उठाया कि जिससे इसे लाभ में लाया जा सके। गढ़वाल मंडल विकास निगम चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरलाइन कंपनियों और रेलवे के साथ MOU कर रहा है, जिससे लोगों को सुविधा मिल सकेगी और निगम को इसका लाभ मिल सकेगा। केंद्र की सहायता से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड के सभी गांवों को रोशन करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे सभी गांव जो अब तक बिजली से अछूते थे, उनको जल्द ही रोशन किया जाएगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 76 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनको केंद्र की सहायता से रोशन करने की तैयारी UPCL ने की है। 56 गांवों को डायरेक्ट ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो बाकी बचते हैं 20 गांव, उनको वैकल्पिक उपायों के जरिए रोशन किया जाएगा। फिर चाहे उसमें सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे फिर उसमें विद्युत ऊर्जा की बात हो, तो तमाम ऐसे उपाय अपनाने की बात UPCL के MD ने कही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, UPCL की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके, उन आंकड़ों के हिसाब से अब जल्द ही प्रदेश के बिना बिजली वाले 76 गांव को भी रोशन करने की तैयारी UPCL ने की है, जिसकी पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। प्रदेश के 76 दूरस्थ गांव और तोको को रोशन करने का बीड़ा UPCL ने उठा लिया है, जिसके तहत टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कब तक जाकर UPCL इन 76 गांवों को रोशन कर पाता है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम की आज समीक्षा की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकारी योजनाओं को जिलों में सही तरीके से लागू करने को लेकर इन दिनों काफी गंभीर हैं। इसका परिणाम भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुख्य सचिव आलोक रंजन मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार दौरों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला महकमे को सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम को लेकर सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं। आज भी कई विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिला महकमे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने लोहिया आवास से लेकर समाजवादी पेंशन योजना तक हर कार्यक्रम की न केवल समीक्षा की बल्कि जिन योजनाओं पर गंभीरता से अमल करने की सख्त हिदायत भी जिला महकमे को दी। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिला महकमे को दो टूक चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी ढिलाई पाई गई सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारी तैयार रहे। कासगंज में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके आतंक का ऐसा नंगानाच किया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग मौके पर घायल हो गए। मामला कोतवाली कासगंज इलाके का है, जहां शांतापुरी कॉलोनी में रहने वाले 6 आरोपी दबंग किस्म के लोग हैं, जो कि आए दिन कॉलोनी में गुंडागर्दी करके दहशत फैलाने के लिए शराब पीकर गाली गलौज और फायरिंग करते रहते हैं। और अब आज कॉलोनी के लोगों ने जब दबंगों की हरकतों का विरोध किया तो आधा दर्जन हथियारों से लैस दबंगों ने कॉलोनी के लोगों पर कई राउंड फायर कर दिए, जिससे दबंगों के द्वारा की गई इस फायरिंग में कॉलोनी में रहने वाले 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और बाकी 3 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर ने इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। फिरोजाबाद में अवैध संबंधों के चलते कलयुगी पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मामला टुंडला के नगला रामकृष्ण नगर का है, जहां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले आरोपी ने अपनी पत्नी और 9 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने दोनों के शव को बोरी में बंद कर 25 किलोमीटर दूर थाना फरिया क्षेत्र के झाड़ियों में फेंक दिया। अज्ञात शव के मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन तभी मृतका के परिजन और उसके बच्चे के गुमशुदगी दर्ज कराने थाने में पहुंचे तो पता लगा कि दोनों का शव मृतका और उसके बच्चे के ही हैं, जिनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। मृतका के परिजनों के अनुसार आरोपी के अपनी भाभी से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी भाभी मृतका को लगातार परेशान कर रही थी और दहेज लाने के लिए मजबूर कर रही थी। वहीं इस दोहरे हत्याकांड में मृतका के भाई ने अपने जीजा और जीजा के परिजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के पीछे बलि देने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि महिला के शव के पास ताबीज, सिंदूर और तांत्रिक क्रिया का सामान भी मिला है। जमीन पे पड़ा बुजुर्ग महिला का शव और शव से कुछ ही दूर में पड़ा महिला का भेजा हत्या की बर्बरता की कहानी को खुद बयां कर रहा है। महिला की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसके बाद उसका भेजा निकाला गया, उससे ये हत्या कई और इशारा कर रही है। शव के पास ताबीज, सिंदूर, काला धागा और तांत्रिक क्रिया का अन्य सामान भी पड़ा हुआ मिला। हत्या बलि की ओर इशारा कर रही है। घटना जनपद बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके के बिजरौल गांव की है। फिलहाल पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तांत्रिक क्रिया के सामान को भी कब्जे में ले लिया। वहीं महिला की हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। परिवार के लोग किसी भी रंजिश की वारदात होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मौके पर मिले सबूत बलि की ओर ही इशारा कर रहे हैं। मथुरा की छाता तहसील क्षेत्र में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 18 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बातें की, वहीं उन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज में राजनीतिक टिप्पणियां भी की। मथुरा के छाता क्षेत्र में एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित 18 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से अपना संबोधन व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं और जिनसे प्रदेश प्रगति के पथ पर है। मथुरा जनपद में निरंतर विकास कराए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मथुरा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जेएनयू मुद्दे पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और यहाँ कृष्ण कृष्ण होना चाहिए, लेकिन देश में आजकल कन्हैया कन्हैया हो रहा है। मथुरा के छाता तहसील में 18 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन करने आए युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता झलकी।
यहां उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात कही। साथ ही धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मथुरा में भले ही समाजवादी पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका विकास कराए जाने का संकल्प उन्होंने सामने रखा और इसके साथ साथ औद्योगिक विकास के बीच ही वो भारतीय जनता पार्टी पर भी इशारों इशारों में सीधा निशाना साध गए। ताज नगरी आगरा के थाना एतमाउद्दौला इलाके के कालंदी विहार में देर रात एक नशा मुक्ति केंद्र में लोगों ने जमकर हंगामा काटा। लोगों का आरोप है जो नशा से मुक्ति पाने के लिए जो लोग वहां रखे जाते हैं उनको दी जाती है थर्ड डिग्री। नशा मुक्ति केंद्र में लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें नशे और बुरी आदतों से मुक्ति मिल सके, पर आगरा में जो हो रहा है उसे सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मामला एतमाउद्दौला के कालंदी घर स्थित नशा मुक्ति केंद्र का है, जहां नशे से मुक्ति के लिए आए लोगों को दी जाती है थर्ड डिग्री। खंबे और पेड़ से बांधकर जमकर उन्हें पीटा भी जाता है, यहां तक कि साफ सफाई भी कराई जाती है। आज कई परिजन नशा मुक्ति केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने चार लोगों को वहां से मुक्त कराया। बाहर आए लोगों के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जो सब कुछ खुद ही बयां कर रहे हैं। वहीं परिजनों और केंद्र के लोगों को भी जमकर मारपीट भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित लोगों के परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट भी की। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और नशा मुक्ति केंद्र के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बारहवीं की छात्रा उन्नति के बलात्कार और हत्या के मामले में आज एक नया खुलासा हुआ है। जी हां, गोल्फ क्लब में काम करने वाले दोनों कर्मचारियों ने आज अपना गुनाह कबूल कर लिया। बारहवीं की छात्रा उन्नति के रेप और फिर हत्या के मामले में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिरासत में लिए गए दोनों गोल्फ क्लब में काम करने वाले कर्मचारियों ने आज अपना गुनाह कबूला। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को ही उन्होंने उन्नति की लाश को देख लिया था और फिर लगातार उसके साथ दुराचार करते रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में और भी कई सारी बातें हैं जिस पर पुलिस अभी ध्यान नहीं दे पा रही है। उन्नति मामले में पहले ही दो रिक्शा चालक जेल जा चुके हैं और अब इन दोनों आरोपियों के कबूलनामे के बाद कुल चार आरोपी इस मामले में जेल भेजे जाएंगे। पाकिस्तानी कोर्ट ने विराट कोहली के पाकिस्तानी फैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विराट कोहली के फैन को उनके घर पर तिरंगा झंडा फहराने के चलते देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 22 साल के उमर दराज को पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज को फहराने के लिए 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जिला अदालत के न्यायाधीश अनीक अनवर ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। उमर के वकील अमीर भाटी ने कहा कि वो इस फैसले से निराश है और वो इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती देंगे। पुलिस अधिकारी अजीत चीमा ने बताया कि उमर ने देशद्रोह किया है। न्यायाधीश ने हालांकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उमर को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने का भी आरोप लगा। शाहिद कपूर जल्द ही बनने वाले हैं पापा और शाहिद के घर गूंजेगी नन्हे बच्चे की किलकारी। जी हां, खबरें जोरों पर थी कि शाहिद और मीरा फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब शाहिद कपूर ने भी इस तरफ इशारा दे दिया है। पिछले साल 7 जुलाई को शादी के बंधन में बंधे शाहिद कपूर अपने फैंस को खुशखबरी देने वाले हैं। खबर है कि शाहिद और उनकी पत्नी मीरा राजपूत मम्मी पापा बनने वाले हैं। हालांकि इस बात की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से आई खबरों की माने तो जल्द ही शाहिद कपूर पापा बनने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मीरा राजपूत प्रेग्नेंट हैं, जिस वजह से शाहिद उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके पहले अक्सर शाहिद मीरा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। हालांकि कपूर और राजपूत फैमिली से इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाहिद और मीरा जिंदगी के नए पड़ाव पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।